आज का जो विषय है, क्या तीनों कृषि कानून समय पूर्वक ला दिए गए थे? मैं इस पे हमको इस बात पे कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी तंत्र का जो होता है फैसला है, तो वो पहले आया या बाद में आया उस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो आया ठीक आया, अगर हटा भी तो ठीक ही हटा। तो हम एक चीज़ कहेंगे कि अगर हम चलते हैं उस कानून पे, पुनः हम पूर्व जो होता है आते हैं उन तीनों कानूनों पे, तो एक ब्रीफ में अगर हम समझते हैं तो जो हमारा पहला कानून है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, जिसको जो है द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन टू 2020, ये पहला कानून है। दूसरा है आपका कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, दूसरा कानून है जो है इसका है कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और तीसरा जो कानून आया है जो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, अर्थात द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये तीनों कानून हैं जो 2020 से जो है लागू होने के लिए चल रहा था, कुछ हद तक लागू हुआ भी, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अब पिछले जो है एक साल से किसानों का विरोध चल रहा था। अब मैं इस पे नहीं चर्चा करूंगा कि क्या हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी बयान दिया कि उन्होंने बहुत प्रयास किया बुद्धिजीवियों को लेकर और सशक्त किसानों को लेकर और कई जो विद्वानों को लेकर समझाने का प्रयास किया किसानों को, लेकिन वो सफल नहीं हुए। चलिए, ये बात तो इनका कहा जाएगा तो एक तरह से समझिए तो एक फेल्योर कहा जाएगा कि समझा नहीं पाए कानून को लाने के बाद भी। ठीक है, अब ये बात हुआ कि ये तय हुआ, प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट कहा है कि इस कानून को अब निरस्त किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। तो हम इस बात पे अब हम आगे सोचते हैं, हम ये भूतकाल को छोड़ते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब जो ये बात हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कानून अब हटेगा, तो उनके कह देने से तो कानून हटने वाला नहीं है, उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे कानून लागू होता है वैसे ही कानून हटाया भी जाता है। तो अब ये बात, अब कानून जो हटाने का प्रोसेस क्या है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि ये किसी भी कानून को जो होता है कानून मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री देखता है, और उसे जब कि कोई भी आदेश होता है या परिवर्तन करना होता है या निरस्त करना होता है, तो उसे अपनी इस बात को जो संबंधित मंत्रालय है उसको भेजना पड़ेगा प्रस्ताव। जैसे कि इससे संबंधित है कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को ये बात दी जाएगी, जो भी आप चाहते हैं निरस्त करना चाहते हैं जो भी है उसकी बात उनको पहले स्पष्ट करनी होगी। उसके बाद अब ये कृषि मंत्रालय के मंत्री का ये कार्य रहेगा कि ये संसद में बिल पेश करेगी उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद पुनः उस पर जो होता है बहस और वोटिंग होगी। ये चीज़, ये प्रोसेस होगा संसद में। ये मैं कोई अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये जो होता है पहले सुभाष कश्यप जी ने ये बात रखी थी कि इस तरह से प्रोसेस होता है और इसी तरह से प्रोसेस होगा। दूसरी मैं एक और बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं कि संसद के सत्र की बात हो रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये जो होता है जो प्रोसेस होगा संसद के सत्र के तहत होगा, तो इस संसद के सत्र टोटल तीन होते हैं, जिसमें कि पहला जो है यथा बजट अधिवेशन फरवरी से मई तक होगा, उसके बाद दूसरा है मानसून अधिवेशन जो जुलाई अगस्त में होता है, और तीसरा है शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर में। तो जैसा ध्यान आता है कि किसी भी जो होता है संसद के सत्र का जो है प्रोग्राम पहले ही डिक्लेयर रहता है, और क्योंकि ये चल रहा है इस समय, तो इस समय शायद ना पास होके और अगले सत्र के लिए जो होता है इंतजार करना होगा, और उसके बाद ही कोई निर्णय हो सकता है, तो इसमें भी अभी कुछ समय लग सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात की समाप्ति एक श्लोक से करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।